हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस आरके सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि इस चैनल पर हम लोग पीसीएस मेंस 2017 का पेपर अपलोड करेंगे, साथ ही पीसीएस के पिछले 10 साल के जो भी पेपर हुए हैं जीएस के पूरा सॉल्व कराया जाएगा। तो उसी श्रृंखला में ये पहला वीडियो है जिसमें हम लोग पीसीएस मेंस 2017 के जीएस पेपर को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सब वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर रहते हैं तभी वीडियो बनाने का मन करता है। और हम लोग इसमें जो है पूरा वीडियो जो है पूरा जीएस कवर करेंगे। तो साथ ही आप लोग जो है कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग पीसीएस मेंस 2017 जीएस पेपर को सॉल्व करते हैं। और ये पेपर क्यों सॉल्व करना चाहिए ये भी एक बार समझ लेना ज़रूरी है। क्यों सॉल्व करना चाहिए? क्योंकि जो है लोक सेवा आयोग में एक परंपरा रही है कि जो आने वाले एग्ज़ाम्स होते हैं वो पिछले एक साल के जितने भी एग्ज़ाम आयोग कराया रहता है उसमें से 10 या 15 क्वेश्चन हूबहू आपको आने वाले एग्ज़ाम में मिल जाते हैं। तो आने वाले एग्ज़ाम जैसे LT ग्रेड हो गया, PCS प्री हो गया, तो इसमें जो है PCS मेंस 2017 हो गया, ACF का एग्ज़ाम जो इस साल कराया गया था, तो उसमें से जो है सीधे सीधे क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो इसलिए भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खास करके PCS मेंस 2017 का पेपर आप लोगों को देखना चाहिए। तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि ये पेपर आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, जैसे नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को तथ्य ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो जैसे तथ्य है कि गोंडवाना शैल समूह भारत का लगभग 95% कोयला प्रदान करता है, इसका कारण बताया गया अधिकांश। तो जाहिर सी बात है, हाँ, गोंडवाना में कोयला होता है लगभग 95%, लेकिन जो है जो कारण बताया गया वो कारण सही नहीं है। तो इसका आंसर जो है बी वाला हो जाएगा, कि मतलब ए आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 2015 में निम्नलिखित राज्यों में से किसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सबसे अधिक प्रतिशत वनों के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर मिजोरम हो जाएगा, तो डी वाला हो जाएगा, मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड को सम्मिलित करना है। तो एक तरफ जो है सूची दी हुई है, तो इसका जो है बी वाला आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि एक तरफ सूची हिल स्टेशन की दी हुई है और दूसरी तरफ राज्य से मिलाना है। तो जैसे खजियार हो गया तो हिमाचल प्रदेश, पहलगाम जम्मू कश्मीर से, और बघियाल जो है उत्तराखंड से, बन्नी जो है गुजरात में है। तो तीसरे का बी वाला। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? तो भारत की सबसे पुरानी, तो इसका आंसर जो है ए वाला हो जाएगा, अरावली। क्योंकि अरावली जो है सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला भारत नहीं वरन विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती है। क्या अरावली पर्वत श्रृंखला का निर्माण जो है आज से लगभग बहुत वर्ष पहले प्री कैम्ब्रियन ईरा में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन ईरा में। फिर अगला क्वेश्चन, पांचवा वाला, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट स्थित है? तो इसका सी उज्जैन हो जाएगा। फिर सिक्स नंबर, छठवा क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के किन राज्यों से मिलती है? तो दोस्तों जो है राज्य हिमाचल प्रदेश, एमपी हो गया, बिहार हो गया, और इस तरीके से कुल 8 राज्य हैं। अगर जो है केंद्र शासित प्रदेश भी दिया होता तो 9 हो जाते, इसलिए इसका आंसर जो है सी वाला होगा, 8 राज्य। फिर अगला क्वेश्चन है, सातवां वाला, सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पारपटा होता है, खतौनी होती है, तो इसका सी वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, आठवां वाला है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर शंकरषण और वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो शंकरषण और वासुदेव जो वैष्णव धर्म के पंच महावीर जो थे उसमें से हैं, तो ये इसका डी वाला आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगाथोक्लीज। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो है, इंद्र क्या झंझावत के देवता थे, सही है। और फोर वाला हो जाएगा, वर्षा के देवता थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरे में जो दिया, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक, तो नैतिक व्यवस्था के संरक्षक अग्निदेव को माना जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर सी वाला हो जाएगा, प्रभावती गुप्ता, उदयगिरी गुहा अभिलेख। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित दिए गए सूची को मिलाना है, तो इसमें सूची में इसका डी आंसर हो जाएगा,
इसमें जो है जैसे हड़प्पा से है तो R37 इसमें जो सवा वो कब्रिस्तान मिला था। इसके अलावा लोथल है तो यहाँ से डॉकयार्ड मिला था और कुछ मुहरें भी मिली थी, मतलब एक बंदरगाह था लोथल। इसके अलावा कालीबंगा, तो कालीबंगा जो गुजरात में है, श्री गंगा नगर हनुमानगढ़ में जो है जूता हुआ खेत वहाँ से मिला था। इसके अलावा मोहनजोदड़ो तो नर्तकी की मूर्ति मिली थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी प्रारंभ की थी? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गुरु अंगद ने। फिर अगला क्वेश्चन है, बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने, तो इसका सी हो जाएगा, बहुत अधिक सफलता प्राप्त की थी। फिर अगला क्वेश्चन 14 है, सल्तनत काल में दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो दीवाने अमीर कोही सबसे पहले मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कृषि पर ध्यान देने के लिए जो है एक दीवाने अमीर कोही मतलब कृषि विभाग की स्थापना की, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ही एक ऐसे सूफी संत थे जिनका जन्म जो है भारत में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मेगस्थनीज भारत आया? तो इसका सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 18वां है, निम्नलिखित में से कौन ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालक्रम में समायोजित कीजिए? तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी में निम्नलिखित पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सी, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ही सल्तनत काल का ऐसा शासक था जिसने जो है सिंचाई के लिए नहरों की व्यवस्था की। बाद में जो है फिरोज शाह तुगलक भी था, तो उसने हर्ब ए शर्ब करके जो है सिंचाई कर भी लगाया। अगला क्वेश्चन है कि 20वां, अनौद्योगिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है? तो इसका सी हो जाएगा। फिर अगला 21 है, तो 21 का डी हो जाएगा। फिर 22 है, तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में घटित हुई? तो इसका डी हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्णय। तो चौरी चौरा 5 फरवरी 1922, डांडी मार्च 1930, गांधी इरविन 1931, सांप्रदायिक घोषणा जो है 32 में, तो डी वाला आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, रेलवे आयोग और इसको मिलाना है, तो इसका सी वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका डी हो जाएगा, नासिक षड्यंत्र केस रास बिहारी बोस। फिर अगला 25, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन चलाया, गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन और ये सब शुरू हो गया था। फिर अगला है कि ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोहों के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित? तो सी, मदुरै से। फिर 27 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था मार्च में, अगस्त प्रस्ताव 1940 तो इस और वेवेल प्लान 1945, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। फिर अगला जो है सूची को जो है अंग्रेजों द्वारा विलय, तो सबसे पहले सतारा का विलय होता है 1948 में, फिर संभलपुर 1949 में, फिर उसके बाद झांसी का, फिर अवध का जो है 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर विलय कर लिया जाता है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका इसका सी आंसर हो जाएगा, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध 1845 में। फिर 30वां है जो है, 1855 के संथाल हुल में कौन सुमेलित है? तो भागलपुर, इसका जो है सी वाला हो जाएगा। फिर 31 है, निम्नलिखित में से कौन एक असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने कारण नहीं था? तो इसका बी हो जाएगा, नमक कानून। फिर 32 है, सूची फर्स्ट को सूची से मिलाना है, तो इसका ए वाला आंसर हो जाएगा। फिर 33 है, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो इसका डी, उपरोक्त सभी। फिर 34 है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो गीतांजलि एक वो लिखे थे तो कविता उसमें उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। 35 है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा,
फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब अब्बास तैयब जी, इनको मिला करके जो है बंबई का त्रिमूर्ति कहा जाता था। 36 जो है किसने लिखा था कि इस निर्णय के इनकार करना कठिन तथा कथित 1857, तो जो है इसका ए वाला आरसी मजूमदार। फिर 37 निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की, तो बंकिम चंद चटर्जी। 38 है निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था, इसका ए जवाहरलाल नेहरू। 39 सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका डी दयानंद सरस्वती। 40 निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र पत्रिका से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे, तो महात्मा गांधी इसके लिए मैं एक कोड बना था, हरी इज माई यंग नव हिंदू, तो इसके लिए नवजीवन हो गया, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन जो कि अफ्रीका में चलाए थे, मनसुख लाल नजर इसके संपादक थे, तो डी वाला इसका आंसर युगांतर हो जाएगा। 41 है निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक सुधारों के विरोध में प्रारंभ किया गया, तो इसका बी हो जाएगा समाचार चंद्रिका। फिर 42 है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित, तो दोस्तों आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि इसमें जो है कालानुक्रम यानी जो है ऐतिहासिक घटनाओं को उनके क्रम में व्यवस्थित करने में 5-4 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हमारा अगला वीडियो इसी पर रहेगा कि इतिहास की घटनाओं को एक क्रम से कैसे याद किया जाए, तो इसमें जो है ए वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है रॉलेट एक्ट 1919 में, सती प्रथा 1829 में, भूट डिस्पैच 1834 में। अगला क्वेश्चन है 43 निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की, तो बी एम के गांधी ने। फिर 44 है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका ए वाला हो जाएगा। फिर 45 है तो 45 का ए हो जाएगा। फिर 46 है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का समय, सी आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन थे। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्ण चरणों में स्थापित राजनैतिक संस्थाओं, तो इसका डी मानते हैं कुछ लोग, लेकिन ये विवादित है क्योंकि सब पहले ही थे, राजनीतिक भी थे, लेकिन ये लैंड होल्डर सोसाइटी को जमींदारी से जोड़ते हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी मान सकते हैं। अगला क्वेश्चन 48 है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की, तो इसका बी विलियम जोल्स ने। 49 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में दूसरी बार जो है, तो इसका बी हो जाएगा दलबीर भंडारी। फिर 50 है 20 फरवरी 2018 को अकेले मिगकई, तो ए हो जाएगा अवनी चतुर्वेदी। 9 फरवरी शांति दक्षिण कोरिया में जो है शीतकालीन ओलंपिक वाला जो स्टेटमेंट है, तो इसका डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो। फिर अगला क्वेश्चन है कि 52 है निम्नलिखित में से कौन प्रथम ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हैं, तो डी ज्योइता मंडल पश्चिम बंगाल। 53 है वर्ष 2017 में एक बड़ा आतंकवादी हमला इनमें से कहाँ हुआ, तो ए वाला हो जाएगा मोगादिशु सोमालिया में। 54 31 मार्च 2018 भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष है जो गुवाहाटी में लगाया गया मौसम उपग्रह। फिर अगला है जो है 55 विश्व का सबसे लंबा शीशे का पुल जो है चीन में बनाया गया, किस प्रांत में, हेबेई प्रांत में। फिर 56 है ट्राई के अनुसार 31 दिसंबर 2017 निम्नलिखित किस दूरसंचार प्रदाता बाजार हिस्सेदारी सबसे अधिकतम थी, तो एयरटेल की सबसे अधिकतम बाजार हिस्सेदारी। 57 है संयुक्त राष्ट्र वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो है कौन पहले इसको मिलाना था, तो इसमें अगर फिनलैंड आप याद रखें पहले नंबर पे, नॉर्वे दूसरे नंबर, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 58 है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार अधिकतम भारतीय खरबपति है, तो इसका सी मुकेश अंबानी। सब लोग जान रहे हैं मुकेश अंबानी मोटा भाई, सबसे अधिक जो जियो वाला प्लान है, तो इस वजह से अभी ये सबसे अधिक खरबपति है, सबसे अमीर खरबपति हैं भारत के। 59 है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस जो है कहाँ आयोजित की गई, तो बी बार्सिलोना स्पेन में। 60 निम्नलिखित में से कौन भारतीय शहर जिसका अपना लोगो है, तो ये बंगलुरु है, तो ए आंसर हो जाएगा। फिर अगला 61 पर्यटन सांस्कृतिक द्वितीय यूनेस्को सम्मेलन जो है सी मस्कट ओमान में हुआ। 62 है 18 फरवरी 2018 को क्रिकेट के तीनों प्रारूप 2020 एक दिवसीय टेस्ट में जो है 5 विकेट लेने वाला गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार है, इन स्विंग बहुत कराते हैं भुवनेश्वर कुमार, इसलिए ज़्यादा विकेट पा गए। 63 है 20 फरवरी 2018 को जारी यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश नवजात शिशुओं को सर्वाधिक जोखिम भरा देश है, तो पाकिस्तान। जाहिर सी बात है जैसे ही जन्म लेंगे विस्फोट हो जाएगा, तो पाकिस्तान इसका आंसर सी हो जाएगा। 64 है अम्मा स्कूटर योजना, तो इसका सी हो जाएगा,
2 और 4। 65 है भारतीय मूल के लोगों का प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। फिर अगला 66 मिस वर्ल्ड खिताब जीतने वाली भारतीय महिलाएं, तो 2, 4 सबसे पहले ऐश्वर्या राय, फिर डायना हेडन, फिर जो है प्रियंका चोपड़ा, फिर मानुषी छिल्लर जो कि हरियाणा की है। फिर 67 है बिश्केक में जो है एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, तो डी नवजोत कौर ने। 68 हो जाए सौभाग्य योजना क्या है, बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान करना। फिर 69 का जो है भारत को कच्चा तेल आपूर्ति करने वाला अग्रणी देश, तो इसका सी इराक हो जाएगा। 70 90 में आस्कर की सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है डी द शेप ऑफ वाटर। 71 भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य, तो ए उत्तर प्रदेश। 72 निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा प्रतिशत तेल की मात्रा होती, तो इसका बी सोयाबीन। पीली क्रांति जो है 73 पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, इसका बी हो जाएगा। 74 लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, तो इसका सी हो जाएगा गुजरात। फिर 75 निम्नलिखित में से किस दिन नौसैनिक अभ्यास मिलन 2018 से भारत से आमंत्रण ठुकरा दिए, तो इसका डी मालदीव। मालदीव आजकल ज़्यादा टसन में है, वो भारत के हर ऑफर को ठुकरा दे रहा है क्योंकि चीन से ज़्यादा मित्रता चल रही है आजकल उसके। 76 टाइम पत्रिका के अनुसार वर्ष 2017 का व्यक्ति संस्था है द साइलेंस ब्रेकर, मी टू अभियान जो मतलब यौन उत्पीड़न संबंधित उसको दिया गया। 77 निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा। 20 जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 78 शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक भारतीय राज्य है, तो इसका सी कर्नाटक हो जाएगा। 79 कौन सा संस्था जो है कृषि पदार्थों के निर्यात संबंधित नहीं, तो इसका डी हो जाएगा। फिर 80 है भारतीय निर्यात की मंद गति क्या कारण है, तो ऊंचे मूल्य हैं, विदेशी प्रतियोगिता, निम्न स्तर का माल, तो ये तीनों हैं, तो डी आंसर हो जाएगा। 81 एशिया का सबसे बड़ा स्वर्ण बाजार पहले इंडोनेशिया हुआ करता था, लेकिन अभी जो है बीजिंग चीन हो गया है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा। 82 भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज जो है कब से लगा, तो ए अप्रैल 2000 में। 83 वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में है। 84 निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों संबंधित है, तो सी हो जाएगा कपास, जूट, सनई। 85 निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, तो ए वाला हो जाएगा धान, उकटा रोग, तो क्योंकि उकटा रोग विल्ट डिजीज जो है चना में होता है, अरहर इन सब में होता है, लेकिन धान में नहीं होता है। 86 निम्नलिखित में से रासायनिक उर्वरकों में से कौन 20 सेंटीग्रेटर जल में अपेक्षाकृत अधिक घुलनशील है, तो इसका बी यूरिया हो जाएगा। 87 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सुरक्षा कवच है WTO, आंतरिक व्यापार संबंधित है शेयर बाजार से। गार्ट का जो है अधिवेशन सामान्यतः जिनेवा में होता है, डी हो जाएगा। 90 वाला जो है 90 का डी हो जाएगा। मैच करना है 91-31 दिसंबर 2000 उत्तर प्रदेश में, तो इसका डी हो जाएगा 15 से अधिक। फिर 92 है वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि भारत, तो इसका सी हो जाएगा 2020। 93 है राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग, तो इसका सी आगरा हो जाएगा। फिर 94 है भारत में जींसों का, तो इसका डी उपर्युक्त सभी। 95 निम्नलिखित में से कौन सही सुमिलित नहीं है, तो इसका सी हो जाएगा मिर्जापुर, क्योंकि वहाँ बिरहा नहीं कजरी होता है। 96 निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की मुख्य वाणिज्यिक फसल है, तो इसका बी गन्ना हो जाएगा। फिर 97 निम्नलिखित में से, तो इसका डी हो जाएगा डिफेंस पार्क, शाहजहाँपुर में नहीं है। 98 निम्नलिखित में से चूड़ी उद्योग, तो इसका सी हो जाएगा क्योंकि चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में है। 99 उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों में सबसे बड़ा है, तो जो है इसका आलू गन्ना हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा। 100 है जनगणना 2011 के अनुसार, तो इसका जो है बी हो जाएगा गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा। 101 उत्तर प्रदेश संस्कृति का ऐतिहासिक, तो इसका ए वाला हो जाएगा। फिर 2 है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस, ये 3 बार लगातार सवाल पूछा गया है, इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो इसका ए वाला हो जाएगा 300 मीटर। उत्तर प्रदेश कोयले के भंडार, तो उपरोक्त तो सभी में 104 में है, तो 2011 जनगणना के अनुसार, तो सी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य NRHM के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्यकर्ता को आशा कहते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ वर्कर, तो ये हो जाएगा आशा हो जाएगा। फिर उसके बाद 106 उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन खाप पंचायत, तो इसका सी जाट हो जाएगा। 107 निम्नलिखित किस समिति त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली, तो इसका ए बलवंत राय मेहता हो जाएगा। 160 उत्तर प्रदेश में विंडो
तो इसका सी वाला हो जाएगा। 109 क्या है, DLW जो वाराणसी में है, तो सी वाला हो जाएगा, डीजल एवं बिजली दोनों। 110 क्या हो जाएगा, दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा, तो इसको वाराणसी में है। तो जाहिर सी बात, हस्तकला जो है हथकरघा उद्योग बनारस में सबसे ज़्यादा है, इस वजह से इसका आंसर बनारस। 11 जो है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, तो इसका सी वाला हो जाएगा, एक तथा दो। फिर 12 जो है इसको सूची मिलाना है, तो इसका ए वाला हो जाएगा। 13 निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए, तो इसका सी वाला हो जाएगा। 14 है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती, तो इसका डी सोनभद्र। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है, तो बापू गोपाल चंद्र, सॉरी इसका बी वाले हो जाएगा, नवाब वाजिद अली शाह। फिर 16 वुमेन पावर हेल्पलाइन 1090, इसका बी वाला हो जाएगा। 117 है सूची मिलाना है, तो इसका डी हो जाएगा। फिर 118 प्रवजन सिद्धांत संबंधित है, प्रवजन सिद्धांत संबंधित है, तो इसका जो है सी हो जाएगा। 119 है, 119 है कि जो है निम्नलिखित में से, तो इसका बी हो जाएगा। 120 क्या है कि इसको भी कथन कारण वाला है, तो इसका बी हो जाएगा। फिर 121 निम्नलिखित राज्यों में किसमें 2011 में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक रही, तो नागालैंड में है, पॉइंट माइनस में चली गई। 122 पर्यावरण संरक्षण कानून जो है ए वाला हो जाएगा, 1986। 23 जो है निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल, तो नाइट्रोजन स्थायी गैस है, सी वाला। फिर 24 जो है ग्रीन वॉश इंगित करता है, तो डी पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। 125 तो इसका सी वाला हो जाएगा, जीवन की गुणवत्ता का स्थिरीकरण। 126 निम्नलिखित संस्थानों में पर्यावरण संरक्षण, तो इसका सी वाला हो जाएगा, हालांकि ये विवादित क्वेश्चन है। 127 निम्नलिखित राज्यों में सबसे कम नगरीकृत है, तो इसका बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 128 भारत ने नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की, 2000 में। फिर 129 जर्मन वाच द्वारा क्लाइमेट चेंज इंडेक्स में, इसका डी 20 हो जाएगा। फिर अगला जो है नीरी कहाँ पे है, तो इसका बी हो जाएगा, 1958। तो 131 अमलैंड क्या है, तो इसका सी वाला हो जाएगा। निम्नलिखित जनगणना दर में जो है नगरीकरण स्तर सबसे दूसरे स्थान पर, तो इसका बी मिजोरम हो जाएगा। निम्नलिखित किसमें नगरीकरण सबसे कम है, तो सी बिहार हो जाएगा। फिर अगला जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जो है भारत ने, तो इसका ए वाला हो जाएगा, 1, 2, 3। फिर जो है 135 तो इसका ए हो जाएगा। 136 2011 जनगणना के अनुसार भारत में कितने 10 लाखी नगर हैं, तो इसका सी हो जाएगा, 53। 137 का बी हो जाएगा, 54.45। 138 इसको जो है जो ट्रंच हैं उनको जो है मिलाना है महासागर, तो इसका बी वाला आंसर हो जाएगा। 139 तो इसमें जो है कुछ खनिज हैं उनको देश से मिलाना है, जैसे चांदी जो है मैक्सिको में पाया जाता है, ब्रक भारत में, तो इसका ए वाला आंसर हो जाए। फिर 40 है निम्नलिखित झीलों में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका पूर्णतः स्थित है, तो इसका ए मिशिगन। ये 5 बार सवाल आया है। 141 निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप सिस्मोग्राफ से, तो 142 क्या है कि महाद्वीपों क्षेत्रफल के अनुसार जो है व्यवस्थित करना है, तो इसमें ए वाला हो जाएगा, एशिया अफ्रीका उत्तरी अमेरिका। फिर जो है 143 निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है, तो गुयाना फ्रेंच गुयाना या दक्षिणी अमेरिका में है। अगला क्वेश्चन 144 कोल बांध का निर्माण जो है सतलज नदी पर, यह हिमाचल प्रदेश में। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से अधिकतम सिल्क उत्पादन, तो ये जो है डी कर्नाटक हो जाए। 146 इसको मैच करना है, तो इसका बी वाला आंसर हो जाए। 147 चीनी उत्पादन का क्रम, तो महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटक, इसका सी आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है विश्व में चाय का बृहत्तम निर्यातक था, तो जो है इसमें चीन मानते हैं। अगला प्रतिदर्श के अनुसार जो है टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी थी, तो सी 2.3। 150 पी सेन गुप्ता की सदस्य भारत कितने लघु कृषि प्रदेश में बात है, तो 160 तो सी का 60 हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप लोगों को आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसी के प्रकार हम लोग जो है PCS के 10 साल के पूरे पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।